भाई कैसा लग रहा था ये देख। ओए होए ये लड़का गया था शॉट लेने, हालत देखो उसकी। अभी भाई के लिए दो मिनट की खामोशी भाई का है डाइटिंग एक दिन के लिए। आज जो है शबीर की कमी गोल्ड मिस्टर गोल्डी पूरे कर, खाना कम होता जाता है, शबीर का हाथ और तेज होता जाता है। बाबा ये रिकॉर्ड हो गया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू अनदर फूड ब्लॉग। हम लोग आए हुए थे लतीफाबाद, एक्चुअली हैदराबाद आए हुए थे एक काम से। अब भूख तो लगी है थोड़ी सी भाई, हमने सोचा ब्रोही रेस्टोरेंट आते हैं और खाना खाते हैं, तो भाई हम जब खाना खाएंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस करवाते हैं, तो ये देखें। भाई बाबा क्या खाने वाले हैं आप? गोश का ऐसा लग रहा खजाना है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही भाई, कढ़ाइयाँ देखो, एक से सौ कढ़ाइयाँ लगी हैं, एक से बढ़कर। मतलब मैंने ऐसा सेटअप कराची में भी कहीं नहीं देखा। मैं भी गया था कढ़ाई का शॉट लेने, लेकिन ये पूरा तंदूर में तला गया। मैं ऐसा लग रहा है यार 50 रुपए काट ले इनकी एक्टिंग। आप उनकी सही कह रहे हैं, हिम्मत देखें उनकी खड़ी होने की। उस जगह ना जहाँ ये कढ़ाई बन रही है पूरे लकड़ी का कोयले से बन रहा है ना, बहुत जरूर। बट यार इतना मैसिव सेटअप, ये मुझे बड़ा वो लगा यार, सरप्राइजिंग है मेरे लिए। तारिक भाई क्या ऑर्डर किया है? भाई इसमें नमकीन जो है रिब्स का ऑर्डर किया है, ठीक है, और कढ़ाई का। कढ़ाई क्या लगता है कैसा खाना है इसका, कुछ तो बताएं। आउट क्लास हैदराबाद के मशहूर है। अच्छा कढ़ाई वगैरह में भाई हर चीज़ इनकी परफेक्ट है। 2 किलो चलें भाई, ज़बरदस्त। इसको तकरीबन 6 से 7 साल हो गए माशाल्लाह से, अल्लाह के फजल करम। अच्छा भाई कढ़ाई का इतना बड़ा सेटअप मैंने कराची में कहीं नहीं देखा। जो है हमारा दम्पुक है, मटन कढ़ाई है, देसी मुर्गा है हमारा माशाल्लाह से, और भी बारबेक्यू में ब्रोही स्पेशल है, प्लेटें वगैरह हैं सारी। ये ब्रोही स्पेशल क्या है? ब्रोही स्पेशल जो है गोला कबाब की होती है, इसमें मलाई बोटी लग के और तिल वगैरह लग के जो है ना बिल्कुल टॉपिंग वगैरह होकर इसमें तैयार होता है। भाई क्या सीन है ये? भाई मैं तो देख के मैं बड़ा फैसिनेट हो रहा हूँ पहली तो, दूसरा ये कि हम भूख बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है। मुझे लिटरली भूख नहीं थी, असल में 2-3 लोगों को भूख थी, और क्योंकि ट्रैवल इतना कर रहे थे ना तो वो खाना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता है। बट अब यहाँ देख के लग रहा था वह कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसा ही है सीनान है बाबू। दूसरा तुम तो कह रहे थे तुम्हें भूख नहीं लगी यार, ये देखो ना, देखो यार ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये अगर ये देखने के बाद भी किसी को भूख ना लगे ना। मटन के लेग, मटन के रिब्स पड़े यार भाई, क्या सीन ऑन है यहाँ पर भाई। 100 कढ़ाइयाँ एक साथ, ठीक है, मटन एक साथ यार, भरपूर सेटअप। आई रिक्वेस्टेड सारे फूड वाले जितने भी हैं, मैं ये माहौल कराची में मांगता हूँ यार, ये माहौल कराची में कहीं नहीं है। यहाँ सीन ऑन है, ये नहीं है कराची में, सीन ऑन है यहाँ। चलो आगे देखते हैं भाई कैसा लग रहा था ये देख। ओए होए ये लड़का गया था शॉट लेने, हालत देखो उसकी यार। ये वाला इसको बोले नहीं आ रहा है। कितने लड़कों ने मारा भाई, हालत खराब हो गई भाई हमारे। ये मेहनत होती है भाई इन व्लॉग्स के पीछे ना, ऐसी मेहनत होती है, ऐसी ऐसी हरकतें नहीं होती है। चूल्हों के अंदर घुस के बनाना कोई आम चीज नहीं होती है। गर्मी जो होती है ना वो तो खैर जो शहर में उसको तो लगी रही है। व्लॉग के चक्कर में बाबा को हम लेकर आए थे, 1.5 किलो कम होगा बाबा, यहाँ इतनी चर्बी दिल्ली है। चले भाई अंदर चल के थोड़ा, चलो भाई थोड़ा अंदर बैठते हैं और फिर ऑर्डर करते हैं। चले भाई, वैसे बाहर काफ़ी सिटिंग थी बट हम लोगों ने चूंकि गर्मी बहुत लग रही है तो एसी के चक्कर में जो ना भाई अंदर लेकर आए बाबा को। क्यों बाबा? अरे भाई पूरा दिन गर्मी में बुला रहा है। हाँ बाद आपको बताते चले, असल में हम लोग एक ब्लॉग बनाने गए हुए थे जो आपने आम का ब्लॉग देखा, उसकी चक्कर में आज पूरा दिन हम वहीं थे, तो वहीं पे खाना खाया भी था हमने, तो भूख ऐसे ही नहीं थी। बट हमने बोला जब आए हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ चक्कर जाएंगे। मुझे चखना दिल से नहीं लग रहा, अब चखने का सेटअप खत्म हो गया, जो सेटअप देख के ना खाने का सीन आने लगा। हाँ भाई भूख लग रही है बहुत भाई। यहाँ की एक मशहूर चीज है नमकीन, नमकीन रिब्स। अच्छा नमकीन रिब्स, और ये चांपे जो है ना ये नमकीन होती है, इसमें ज्यादा कुछ मसाले नहीं होते बाबा। हाँ सादा होता है ये भाई। कैसा बाबा? नमकीन तो नमकीन है भाई, नमकीन है भाई।
जबरदस्त है। नींबू तो डालना भूल गया, अभी शारिक ने डाला नींबू। मैंने सोचा भाई हम भी एक ले लेते हैं रिब्स। बकरे की है ना या गाय की है? मटन है। अच्छा मटन है भाई, मटन रिब्स है। और ये देखो ये बिल्कुल मसाला इसमें ऐसे कुछ नहीं है, गला हुआ है। ये देखो, देख रहे हो अच्छा मसाला ही नहीं है, फिर भी टेस्टी लगा। ये एपेटाइजर है, अभी कढ़ाई भी आ रही है। अभी इतनी जल्दी खाली हो गई है, देखो छोड़ ही नहीं रहे। माशाल्लाह शारिक कैसी है? जबरदस्त। तुम तो खाते रहते हो यहाँ पे है ना? हमने फर्स्ट टाइम किया, बहुत मजे किए। नमकीन बोटी है बाबा, नमकीन रिब्स। माशाल्लाह कोई 5 मिनट में तमाम बोटियां गायब। सबसे ज्यादा रिब्स की बोटियां माशाल्लाह। मैंने दो खाई, आपने दो खाई। अच्छा किसी को छिंजाने का डर नहीं था आज, पता है क्यों? आज बहुत सुकून से खाया हम लोगों ने। उसकी वजह क्या है? आज शफीक नहीं है। आज शफीक नहीं है। शफीक क्यों नहीं है? अब लोग बोलेंगे शफीक क्यों नहीं है भाई। हाँ शफीक भाई ने असल में आज टोपी कराई थी क्योंकि उनको कोई मसला था, और हम आज बड़ी लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए थे। पूरा दिन का मतलब सुबह 10 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक हमें रहना था। ये शफीक के सेट के लिए अगर वो देख रहा है, सेट इजाजत नहीं देगा। खाने का कोई सीन नहीं था, कोई भी सीन नहीं था, कभी आया और बकरा होता तो फिर तो कन्फर्म था। सेट को धक्का नहीं आया ना, बॉडी फंस गई, बॉडी फंस गई। अच्छा नहीं नहीं भाई, ये यहाँ की स्पेशलिटी है जो क्या है? दम्पो है भाई। शफीक भाई ये है मटन की। आज शफीक साहब नहीं है, ये मटन की है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये भाई है के ओनर की बाबा। शफीक भाई के लिए 2 मिनट की खामोशी थी। माशाल्लाह भाई, ये जरा ट्राई करो, ट्राई करो मिस्टर आशीष गोल्डी। मैं तो आशीष हूं। शारिक तुम फर्स्ट टाइम खा रहे हो? ये पहले खा चुके हैं। फर्स्ट टाइम है। कैसा है? अच्छा है। और ये कुटी हुई मिर्चियाँ पड़ी हुई है इसके अंदर, साबुत मिर्च है। बहुत गर्म यार, वाह। ये हाथ से शुरू भाई, माशाल्लाह। हाँ मज़े आ रहे हैं। अभी कढ़ाई भी बाकी है, वो भी आ रही है। बहुत मज़े आ रहा है बाबा जी। वाकई में, वाकई में चमचे वाला आइटम नहीं है। अरे बोल भी दे, इतना कब पनवेल निकलना है भाई हमें। चमचे वाला आइटम नहीं है भाई, ये हम लेते हैं। माशाल्लाह शफीक भाई की मोहब्बत में सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं। कैसा भाई? ये कढ़ाई भी आ चुकी है अभी, ये देख रहे हैं आप। और हसन के बाकायदा चावल फट गए, इतना हसन खाने लग गया। नहीं यार नो डाउट, देखिए ये ऑनेस्ट रिव्यू है बाबा, ऑनेस्ट रिव्यू है। मजेदार यार, नो डाउट हम लोग कढ़ाई खाने आए थे, मगर जो दम्पू वाला जो ऑप्शन मिला था और ऐसा लगा रहा ये यहाँ का जो है ना स्टार प्रोडक्ट है दम्पू। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी यार। अभी तक हमने कदम कर दिया, वो एम ही मारना दिया तुमने, मगर स्टार प्रोडक्ट हमारा पहला ऑर्डर कढ़ाई थी। पहला ऑर्डर हमने कढ़ाई अच्छी है, बट दम्पू जरूर ट्राई कीजिएगा।
एक अच्छी चीज लगी मुझे, स्पेशली उसके राइस वो थोड़ा डिफरेंट है, मंदी राइस या नमकीन रिब्स भी अच्छा है। भाई कहाँ डाइटिंग? एक दिन के लिए टोटल चीट दे। ये है कोल्ड ड्रिंक भी स्टार्ट कर दी, इससे पहले ये हमें हर चीज़ के लिए बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं खाऊँ। भाई इनसे ही रुका जाना, इनके कहने की बात है खाली, इनके टेस्ट की वजह से नहीं रुका गया, बहुत आउट ये बात हकीकत है। टेस्ट वाकई काफ़ी सारी पहले भाई शारिफ भाई कुछ खा लें यार, आप नहीं खा रहे शारिफ भाई, शारिफ भाई आप नखरे कर रहे हैं। मोबाइल ने अपने साइज के हिसाब से निवाला बनाया है सब, छोड़ो वो देखो कितनी मोटी नाली में कुछ जैसे खाना कम होता जाता है, शफीक का हाथ और तेज होता जाता है। बाबा ये रिकॉर्ड हो गया है, बाबा ये रिकॉर्ड हो गया है, बाबा ये रिकॉर्ड हो गया है। अरे भाई मजा आ गया यार, मजा आ गया बाबा। हाँ अनएक्सपेक्टेड था ये ब्लॉग भी, अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि हमने कोई प्लान नहीं किया था, टॉप ओवर था ये हमारा, तो हमने बोला थोड़ा बहुत खा के निकलेंगे, बट बॉस एक तो इंतजार काफी हुआ, बस वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है क्योंकि इंतजार ज्यादा करना पड़ा, बट मजा आया। भाई तो ये था हमारा ब्लॉग, फूड ब्लॉग दो ही पे, जो कि लिटरली प्लान नहीं था, बहुत मज़ा आया और सरप्राइजिंगली जो टेस्ट था ना उसने भूख खोली, क्योंकि मुझे तो भूख ही नहीं थी, बट लिटरली मैंने भी खाया और एपेटाइज़र से जो भूख खुली है, उसके बाद जो उनका जो दमपू खाया और उसके बाद जो कढ़ाई थी ना यार, हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करी थी। तो मेरे ख्याल से अगर आप कभी लॉन्ग ड्राइव पर आए हैदराबाद तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा वो ही रेस्टोरेंट, और मज़ा ना आए तो पैसे मुझसे ले लेना। सही है, चलो अल्लाह हाफ़िज़।